ओके सो हाय गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय YouTube चैनल। सो गाइस, कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। सो गाइस, मेरा नाम है करण और आज की इस नई वीडियो में गाइस मैं आप सभी को सिखाने वाला हूं गाइस कुछ इस टाइप की न्यू वायरल रील वीडियो एडिटिंग। सो गाइस, इस वीडियो में जो भी मैं प्रोसेस बताऊंगा आपको ध्यान से देखना, जो भी मटेरियल वगैरह होगा मेरे टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाकर डाउनलोड कर लेना। चलिए वीडियो को जो है हम स्टार्ट करते हैं। तो ये एडिटिंग जो है गाइस हम करेंगे कैप्चा टैप में, तो जल्दी से आप लोग अपने कैप्चा टैप को ओपन कर लो, वीपीएन वगैरह सब कुछ ऑन रखना, ठीक है, इंटरनेट वगैरह सब कुछ ऑन रखना, क्योंकि यहाँ पे हमें इन सब चीज़ों की जरूरत पड़ने वाली है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जब अपनी जो मतलब कैप्चा टैप को ओपन कर लेंगे, तो यहाँ पे गाइस न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करके जो है हमें पहले अपनी वीडियो यहाँ पे ऐड करना है। जो भी वीडियो आप एडिट करने वाले हो उस वीडियो को ऐड कर लेना, एंड गाइस एक वीडियो को डाउनलोड करके रख लेना जो कि आपको मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगा। तो उसी को देख देख के जो है यहाँ पे हम थोड़ा सा मतलब कि वीडियो को एडिट करने वाले हैं, क्योंकि हमें सेम प्रोसेस वही उसी वीडियो का चाहिए। तो यहाँ पे हम पहले जो वाटरमार्क को डिलीट कर लेंगे। अब वाटरमार्क को डिलीट करने के बाद हम क्या करेंगे गाइस, यहाँ पे अब जो है यहाँ पे देखिए ओवरले वाला जो ऑप्शन दिख रहा होगा आपको नीचे, उसके ऊपर क्लिक करेंगे, एंड यहाँ से जो है हम ऐड वीडियो पे क्लिक करेंगे, यहाँ से जो उस वीडियो को दिखाएंगे। तो मैं इसको यहाँ से ऐड कर लेता हूँ। इसके बाद गाइस यहाँ पे हम क्या करेंगे, जब वीडियो आप यहाँ पे ऐड कर लोगे तो गाइस हम इसे साइड में छोटा करके इसे साइड में रख देंगे, ठीक है। अभी गाइस देखिए यहाँ पे क्या करना है, हमें जो है वीडियो को प्ले करके देखेंगे कि ब्लर जो है हमें कहाँ तक चाहिए। तो यहाँ तक हमें ब्लर चाहिए, तो यहाँ से हम क्या करेंगे वीडियो को ट्रिम कर लेंगे। तो जो आपकी लेयर होगी ऊपर वाली उसको आपको सिंपली यहाँ पर ट्रिम कर लेना है, एंड इतना हो जाने के बाद आप लोग यहाँ पे इस वीडियो को प्ले करना है। गाइस देखिए यहाँ पे जो है मतलब जहाँ तक हमने ट्रिम किया वहीं पर ब्लर चाहिए हमें, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग में वीडियो को रखेंगे एंड इसके बाद यहाँ से बैक चलेंगे। बैक जाने के बाद यहाँ पे हम जो है मतलब कि जो ये इफेक्ट वाला ऑप्शन मिलेगा आपको यहाँ पे सिंपली, ठीक है, आपको सिंपली वहाँ पे करना है कि इफेक्ट के ऊपर क्लिक करना है, वीडियो इफेक्ट के ऊपर क्लिक करना है, एंड यहाँ पे गाइस आपको बेसिक में चले जाना है। यहाँ पे बेसिक में आप जैसे जाओगे आपको बहुत सारे ब्लर मिल जाएंगे, ठीक है, जो आपको यहाँ पे बेस्ट लगे वो लगा सकते हो। बट अभी जो वीडियो में हमें यूज़ करना है वो मैं बता देता हूँ, ठीक है, अगर आप और कोई चाहो तो यू भी यूज़ कर सकते हो। तो सबसे सेकंड वाला जो हम लेंगे, इसका जो नीचे का सबसे सेकंड वाला ऑप्शन है उसको हम बिल्कुल फुल कर देंगे, स्पीड को एकदम माइनस कर देंगे, फिर कर देंगे इसको हम डन। एंड गाइस जब हमें वीडियो में जितनी लेंथ हमें इसकी चाहिए हम सिर्फ उतना रखेंगे इसको। तो अभी जो हम इसको पूरा रख लेते हैं इतना, तो अभी मैं इसको लास्ट तक कर लेता हूँ। अब गाइस देखिए यहाँ पे अपने वीडियो को प्ले कराया, एंड देखिए गाइस यहाँ पे जो ब्लर हमारा काफ़ी अच्छे तरीके से आ चुका है। अब गाइस देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब यह जो है हम यहाँ पे देखेंगे कि हमें इफेक्ट कहाँ कहाँ पे ऐड करना है और कौन कौन सा इफेक्ट ऐड करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम गाइस, यहाँ पे जो है वीडियो हमने स्टार्ट करी, अब गाइस देखिए एक इफेक्ट हमें चाहिए यहाँ पे, यहाँ पे हम इसको स्प्लिट कर लेते हैं। अब गाइस देखिए यहाँ पे जो है एक इफेक्ट हमारा यहाँ पे आ रहा है, तो वीडियो को यहाँ से स्प्लिट कर लेते हैं। अब गाइस देखिए अगला इफेक्ट जो है हमारा, अभी मतलब यहाँ पे सारे इफेक्ट आ चुके हैं, ठीक है, अब यहाँ पे हमने स्प्लिट कर लिया इतना। अब गाइस देखना है हमें कि इफेक्ट कौन कौन से लगाना, तो सबसे पहले यहाँ पे आ रहा है जूम इन का इफेक्ट, ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम वीडियो को यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। अब ये जूम वाला मतलब कि कंटिन्यूसली जूम हो रहे हैं इसमें, तो हम इसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इतना हो जाने के बाद जब देखिए वीडियो को हम जो है मतलब जूम कहाँ पर आ रहा है ये देखना पड़ेगा, ठीक है आपको। तो यहाँ पर हमारा जूम स्टार्ट होता है, तो अभी सबसे पहले हम क्या करेंगे, वीडियो को हम स्टार्टिंग में ले जाएंगे। वीडियो को स्टार्टिंग में ले जाने के बाद हम क्या करेंगे, अभी वीडियो इफेक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। वीडियो इफेक्ट पे आप जैसे ही क्लिक करोगे तो गाइस यहाँ पे आपको जो बेसिक में चले जाना है, बेसिक में जाने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है, आपको गाइस यहाँ पे जूम लाइन वाला एक ऑप्शन मिलेगा, आपको सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना है, इसकी सेटिंग्स को जो स्पीड जीरो रख देना है, एंड इसका जो सेकंड वाला ऑप्शन इसको हमको जो है 15 तक रख लेना है, ऐसे डन कर देना है। अब गाइस देखिए इसको जहाँ तक आपको चाहिए जहाँ तक इसकी लेंथ रखनी है आपको वहाँ तक इसको मतलब स्प्लिट करके डाल ले जाना है, एंड वीडियो को हम प्ले करके देखते हैं गाइस देखिए यहाँ पे ये जूम इन हो रहा है, ठीक है। तो मतलब इसका जो लेंथ है हमने मतलब वो सॉरी स्पीड जो हमने ज़्यादा ही कम कर दी है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस पर हम दोबारा रिप्लेस के ऊपर क्लिक करेंगे, रिप्लेस जो इफेक्ट है इसके ऊपर, एंड उसके बाद हम यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे तो उसके बाद हम वापस उसी जगह पे पहुँच जाएंगे। तो हम इस पर क्या करेंगे, हम जो इसका सेकंड वाला ऑप्शन जो है इसको हम थोड़ा सा बढ़ा देंगे, ठीक है। अभी गाइस देखिए इसमें साथ में जो ना एक इफेक्ट भी है इसमें, तो जैसे कि आपको दिख रहा होगा इफेक्ट जो है अभी हमने इसमें ऐड नहीं किया, तो इफेक्ट ऐड करने के लिए क्या करेंगे, हम वीडियो के ऊपर टैप करेंगे, एनिमेशन के ऊपर क्लिक करेंगे। एनिमेशन पर क्लिक करने के बाद जो हमें यहाँ से तीन चार जो है हमें आपको बताते हैं, एक ये वाला और एक ये वाला, ठीक है, ये दो तीन इफेक्ट हैं, आप इन तीनों में से कोई सा भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो मैं सेकंड वाला यूज़ कर रहा हूँ, तो मुझे वीडियो को प्ले करके देखते हैं यहाँ पे, तो ये इफेक्ट जो हमारा काफ़ी अच्छे तरीके से वहाँ पे वर्क कर रहा है। अब गाइस देखिए बढ़ते हैं सेकंड इफेक्ट की तरफ, आप सेकंड वाले में आपको कौन सा इफेक्ट ऐड करना है, तो पहले हम यहाँ पे वीडियो को प्ले करके देखेंगे थोड़ा। तो ये प्ले करने के बाद गाइस देखिए यहाँ पे जो हमें इफेक्ट रखना है ये वाला, ठीक है, सॉरी मोशन ब्लर नहीं, आपको नीचे वाले ऑप्शन में वही सेम, ठीक है, इसका भी सेम वही चीज़ करना है आपको, इसको माइनस कर देना स्पीड को, इसको 35 के अराउंड कुछ रख लेना है। अब गाइस हम इसको प्ले करते हैं, ठीक है, अब गाइस देखिए और ये इफेक्ट, ठीक है, यहाँ पे हमारा इतना इफेक्ट ये आ रहा है, ठीक है। अब इन सब में ना गाइस आपको मैं एक इफेक्ट और बताता हूँ, जो कि आप चाहो तो ये जो हमने दो इफेक्ट डाले ना उसमें आप ये वाला इफेक्ट भी डाल सकते हो तीनों साइड में, ठीक है। अब गाइस देखिए लास्ट में जो एक हमारा एक इफेक्ट आ रहा है जो कि ये मिनी ब्लॉक वाला इफेक्ट आ रहा है, ठीक है, जो मिनी ब्लर सॉरी मिनी ब्लॉक बोल दिया मैंने, मिनी ब्लर वाला, ठीक है, वो वाला इफेक्ट आ रहा है मिनी स्लोमो। तो यहाँ पे क्या करना है गाइस देखिए, यहाँ पे जो आपको नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपको जो एक इफेक्ट दिखेगा, ठीक है गाइस, जो वो यहाँ पे मिनी करके कुछ होगा,
ठीक है। तो यहाँ पे आपको जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो गाइज आपको जिसका एडजस्टमेंट वगैरह अपने हिसाब से रख लेना है, ठीक है। मतलब ये स्लोमो नहीं, सॉरी मैंने स्लोमो पे क्लिक कर दिया गाइज, ठीक है। तो मैं आपको दोबारा से बताता हूँ कौन सा इफेक्ट था वो, पहले मैं यहाँ पे प्ले करके एकदम कन्फर्म कर लेता हूँ पहले, ठीक है। तो ये हमारे इफेक्ट यहाँ तक सेम वर्क कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं लास्ट में एक ब्लर बता रहा हूँ जो आपको, आप चाहो तो जो अभी मैंने दो स्टार्टिंग में लगाया था वो भी लगा सकते हो सब में, ठीक है। तो मैं बताता हूँ कौन सा ब्लर है। तो आपको वीडियो इफेक्ट के ऊपर क्लिक करना है, एंड जैसे आप इफेक्ट पर क्लिक करोगे आपको नीचे थोड़ा जूम करना है, एंड थोड़ा सा और जूम करना है, ठीक है। मतलब एकदम लास्ट में नहीं, थोड़ा सा ऊपर की साइड में। तो मैं यहाँ से थोड़ा ऊपर करता हूँ, हाँ ये मिनी जूम वाला गाइस, ठीक है। ये मिनी जूम वाला जो है, ये इफेक्ट भी आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है, तीनों जगह पे आप चाहो तो, ठीक है। बट मैंने जो बताया आप वो भी यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। तो अभी ये कहाँ तक इफेक्ट हमें ये देखना है, पहले यहाँ तक एक इफेक्ट आ रहा है, तो पहले हम वीडियो को प्ले करके देखते हैं। तो अभी जो म्यूज़िक वगैरह सुनाई नहीं दे रहा होगा गाइस आपको, क्योंकि आपको पता है बार बार म्यूज़िक अगर मैं वीडियो में ऐड करूँगा तो यार मेरे वीडियो पर कॉपीराइट क्लेम लग जाएगा और अर्निंग वगैरह कुछ भी नहीं होगी, इसलिए मैं जब बार बार इफेक्ट जो है साउंड नहीं सुना सकता आपको। तो अभी देखिए गाइस यहाँ पे दो बार ही आ रहा है ये, ठीक है। तो हम पहले तो है इसकी लेंथ बढ़ा लेते हैं हम, एंड इसको कॉपी कर लेंगे, एंड कॉपी करके जो है हम क्या करेंगे इसको आगे की साइड में ले जाएंगे, सॉरी यहाँ पे इतना नहीं चाहिए हमें, ठीक है। तो इसको हम इतना रख लेते हैं, उसको थोड़ा सा लास्ट में इतना, ठीक है। अब गाइस देखिए यहाँ पे जो कन्फर्म हो चुका है ये पूरा, ठीक है। अब जो लास्ट में अब जो है गाइस बारी आती है हमारे म्यूज़िक की, ठीक है। तो यहाँ पे जो है मतलब ये ब्लर वगैरह तो हमने ऐड कर लिया ना, अब देखिए गाइस यहाँ पे तो जो है हम पहले इसको जो भी वीडियो वगैरह ना ये जो हमने ऐड करी थी इनको पहले हम डिलीट मारते हैं यहाँ पे, ठीक है। फिर उसके बाद आपको बताता हूँ आपको नेक्स्ट करना क्या है, ठीक है। तो ये हमने डिलीट मार दिया यहाँ पे, तो इसको भी डिलीट कर देते हैं। अब गाइस देखिए यहाँ पे आपको करना क्या है, आपको देखिए यहाँ पे ऑडियो के ऊपर क्लिक करना है एंड एक्सट्रैक्ट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपको फर्स्ट वाली मतलब आप जो गैलरी में से जो वीडियो को डाउनलोड करोगे मतलब टेलीग्राम से मेरी, आपको वाला म्यूज़िक यहाँ पे ऐड कर देना है। तो गाइस देखिए म्यूज़िक के साथ में एकदम अच्छे तरीके से एडिट हो चुका है। तो लास्ट में गाइस आप लोग जो एक चीज़ का ध्यान रखना, आपकी वीडियो की जो लेंथ होगी आपको उतनी ही मतलब ऑडियो रखनी है, नहीं तो वो जो है लास्ट में जो ब्लैक दिख रहा है ना ये इसके साथ ही पूरी वीडियो एक्सपोर्ट हो जाएगी साउंड के साथ, ठीक है। तो लास्ट में जितना होगा बाकी जो है ट्रिम कर देना। बाकी वीडियो यहाँ पे हम सेव कर लेते हैं, आज की वीडियो यहीं तक की। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी चलिए गाइस मिलता हूँ सबसे किसी ने वीडियो में, तब तक लिए कीप लविंग कीप सपोर्टिंग, गुड बाय।